मुश्किल हो गया। एक टाइम अगर भोजन कर लेते हैं तो दूसरे टाइम के लिए समस्या बनी हुई है कि कैसे भोजन मिलेगा आपको जाने का समय। बाल बच्चों की बात छोड़ दीजिए, स्वयं अपने भोजन की भी व्यवस्था करना मुश्किल हो गया है। मेरा नाम दिव्यांशु उपाध्याय है, मैं होप वेलफेयर ट्रस्ट में सेक्रेटरी हूँ। बनारस में 3 रेलवे स्टेशन है, ये तीनों स्टेशन पे काफ़ी मात्रा में जो कूली वर्ग के लोग हैं, इनके पास मुख्यतः यहाँ का राशन कार्ड भी नहीं है कि इनको सरकारी कोई मदद मिल सके। कुछ कूलियों की स्थिति तो इतनी ख़राब है कि वो अपने वाइफ अपने जो उनकी वाइफ है उनके जो गहने थे उसको बेचकर वो या बहुत लोग गिरवी रखकर अपने घर का खर्चा चला रहे हैं। हम तो सारे मीडिया कर्मियों से, सारे ट्रस्ट के लोगों से जो है हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा कि हम लोगों जैसे लोगों को जो है आप लोगों की मदद से अगर दो रोटी की व्यवस्था बने तो आप हम लोगों को जो है करने का काम करें, जिससे हम जीवन भर आप लोगों की आवाज़ दें।